नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जब से अपने परिवार की सियासत से बगावत की तब से उनको बीजेपी में बड़ा औदा मिलने की आस रही, जो हाल में पूरी भी हुई। उनको यूपी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद से वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा अशोक सिंघल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपर्णा यादव अयोध्या पहुंची। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी उन्होंने मुलाकात की और इसी दौरान जहां बीजेपी के तारीफों के पुल उन्होंने बांधे, तो वहीं अफजाल अंसारी के बयान पर करारा हमला भी बोला। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव ने राहुल गांधी के बयान और यहां तक ही अखिलेश यादव के बयान पर भी उनकी बखिया उखाड़ दी। देखिए ये रिपोर्ट। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अयोध्या पहुंची। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। कार सेवकपुरम में राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा अशोक सिंघल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या पावन धरती है, यहां आकर हमेशा अच्छा लगता है। राम भारत के आदर्श हैं, राम सबके मन में बसे हैं। 500 वर्षों से संघर्ष का विश्राम प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा हुआ है। कार सेवकों को भी धन्यवाद है जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हीं की प्रेरणा से रामलला भव्य मंदिर में स्थापित हैं। देखिए, अयोध्या बहुत ही पावन धरती है और यहाँ पर आकर के हमेशा ही अच्छा लगता है। आज हम जिस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि यहाँ पर जो है इतने अच्छा कार्य हो रहा है। दिव्यांगजनों को जो है प्रोस्थेटिक लिम्स लग रहे हैं और आप लोगों ने स्वयं भी देखा होगा कि मुझे लगता है कि यह पहला ऐसा कैंप होगा जिसमें जो है लिम्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो जो है जिसे कंफर्ट में रहें जिनकी इस तरीके की दिव्यांगजनों की दिक्कत है, तो यह साधुवाद लायक है, बहुत बड़ी बात है। जी, देखिए, मैं हमेशा से ये कहूँगी कि राम भारत का आदर्श है और राम जो है सबके मन में बसते हैं और 500 वर्षों से जो चला आ रहा था उसका अंत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन सभी कार सेवकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जो है कई लोगों के प्राण भी चले गए, और सभी का जो इसमें जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, आज उन सभी की स्वप्रेरणा से हमारे बीच में रामलला बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित है। वहीं राहुल गांधी के द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर दिए गए विवादित बयान पर अपर्णा यादव भड़की और कहा कि राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अच्छे से नहीं देखा। उद्योगपति क्या देश का हिस्सा नहीं है? राहुल गांधी देश को भड़काने वाला भाषण देकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि उन्होंने वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से देखा नहीं। उसमें जो है अगर उद्योगपतियों को बुलाया गया तो उद्योगपति, पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या देश का हिस्सा नहीं है? दूसरी बात, जब जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाया था उन पर फूलों की वर्षा करी है, स्वयं पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है। उनके घर में से तो 3-3 प्रधानमंत्री थे, कोई एक आदमी बता दीजिए जो सेवकों के कभी जिन्होंने पैर धुले हों, कभी उन पर फूलों की वर्षा करी हो, और जिस तरह से लोगों का स्वागत अभ्यागत हुआ उसमें क्या अयोध्या की जनता इन्वॉल्व नहीं थी? बिल्कुल इन्वॉल्व थी, पूरा पूरा एक जगह उनको दिया गया था। हाँ, व्यवस्था के कारण, जो देखिए प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, हम ये कहते हैं अमेरिका का जब प्रेसिडेंट आता है भारत या कहीं भी जाता है तो उसका तो हम बड़ा वो करते, राहुल गांधी तो चीन के भी प्रधानमंत्री से मिलने चले गए थे। तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे देश को भटकाने वाले भाषण दे करके और जो है लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और वह अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर बोलें, हमारे रामलला पर बोलें, उससे उनका जो है वो गर्त के गड्ढे में ही गिरेंगे, उनका कोई उबार नहीं पाएगा उनको। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा साधु संतों पर दिए गए
विवादित बयान पर भी अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरीके की गलत बयानबाजी करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वहीं अपर्णा यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सलाह देते हुए कहा कि वो उच्च पद पर आसीन हैं और सदन में भी उन्हें मर्यादित रहकर बयान देना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल में ही मठाधीशों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। मैं समझती हूँ कि वो उनकी अपनी सोच है और इस तरीके के गलत बयानबाजी करके वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इससे साधु समाज पे किसी पर वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब जो है कीचड़ में आप जो है ईंटा फेंकोगे तो छींटे आएंगे आपके ऊपर, और उसी प्रकार से जो है कमल अपनी व्यवस्था में ही खिलता है, तो साधु उसी प्रकार का है। आप लाख भी उस पर जो है तंज कस लो, उस पर जो है इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर लो, मगर साधु का जो व्यवहार है वो साधुत्व है। तो अब वो तो उनके अपनी वाणी है, अपना विचार है, अपना विचार है उनका। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोलते हैं, पर मैं समझती हूँ अपनी अगर आप किसी पद पर हैं, किसी आप गणमान्य सदन के सदस्य हैं, तो आपको एक जो है अच्छी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए और मर्यादित होकर के। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप मर्यादित भाषण दे करके, विपक्षियों पर टिप्पणी करके और जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करके अपनी चीज़ें आप चमकाएं। आप अच्छे से व्यवहार अनुकूल बात करें और जो है इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। देखा जाए तो अपर्णा यादव अब फ्रंट पर आकर खेलना शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद वो जमकर विपक्ष पर निशाना साध रही हैं। वो ना तो सपा पर प्रहार करने से पहले गुरेज कर रही हैं और ना ही कांग्रेस पर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।